दिवाली से पहले हवा में जहर, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण वाली इमरजेंसी, सांस लेने पर बीमारियों की एंट्री फ्री, नोएडा गाजियाबाद सबसे ज्यादा प्रदूषित, दिल्ली एनसीआर में जिए तो जिए कैसे, नमस्कार जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ। दिवाली में अब 10 दिन से भी कम समय बचा है, दिल्ली एक बार फिर से प्रदूषण से जंग लड़ने को तैयार हो रही है, लेकिन दिवाली से पहले ही दिल्ली में सांस लेना खतरे से खाली नहीं रह गया है। जी हाँ, सांस लेंगे तो ऐसे लग रहा है बीमारियां मुफ्त मिलेंगी आपको। रविवार यानी छुट्टी के दिन जब लोग सुबह उठे तो हवा में घुले इस जहर ने उनका स्वागत किया है। सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक, बुलेटिन के मुताबिक, रविवार को नोएडा और गाजियाबाद में प्रदूषण का स्तर 400 के पार पहुंच गया। दिल्ली में रविवार को 383 के स्तर पर रहा है प्रदूषण। एयर क्वालिटी इंडेक्स में आपको यह भी बता दें कि 150 से 300 के बीच इसे खराब माना जाता है, 301 से 400 के बीच इसे बेहद खराब माना जाता है और 401 से लेके 500 के बीच में इसे गंभीर माना जाता है। यानी अब आप समझ लीजिए कि नोएडा और गाजियाबाद में हालात गंभीर हो चुके हैं, तो दिल्ली में ये बेहद ही खराब कैटेगरी में है। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने हालात को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है और इसमें यह कहा गया है कि दिवाली तक लोग जहरीली हवा से कम संपर्क में आने के लिए बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। बड़ी बात यह, आने वाले दिनों में प्रदूषण का लेवल और बढ़ने के आसार है। मैं यहाँ खड़ा तो हुआ हूँ पर मेरे को एक डर लग रहा है। ये जो हवा है, जो मेरे जो सांस, जो हवा मेरे फेफड़ों में जा रही है, वो जहर बन गई है। Pollution is a very serious problem here in Delhi, and I think it's important to take care of that. दिल्ली एनसीआर में सांस लेना हुआ दूभर। हवा में जहर सबसे खतरनाक स्तर पर। देश की राजधानी और उसके आसपास के इलाके आईसीयू में पहुंच चुके हैं। यहां रहने वाले लोगों के लिए एक एक सांस बोझ की तरह हो गई है। प्रदूषण ऐसे स्तर पर पहुंच गया है जो लोगों की सेहत के लिए घातक हो चुका है। दिवाली से पहले ही दिवाली के बाद वाले प्रदूषण की एडवांस बुकिंग हो गई है। शनिवार के बाद रविवार को तो हाल उससे भी बुरा रहा। गाजियाबाद और नोएडा तो रेटिंग के गंभीर स्तर पर पहुंच गए। एयर क्वालिटी इंडेक्स में रविवार को सुबह गाजियाबाद में प्रदूषण 440 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि नोएडा में ये 400 के स्तर को पार कर गया। वहीं दिल्ली में भी ये स्तर 383 का रहा। सरकार भी एक्शन में आई है। दिल्ली के प्रदूषण स्तर और हवा की गुणवत्ता को देखते हुए सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने एक ग्रेडेड एक्शन प्लान बनाया है, जिसके तहत जैसी हवा की क्वालिटी दिल्ली एनसीआर में होगी उसे देखते हुए और प्रदूषण से निपटने के लिए कई कड़े कदम उठाए जाएंगे। हवा के बेहद खराब क्वालिटी होने पर एक्शन प्लान के तहत पीएम 2.5 की मात्रा 121 से 250 माइक्रोग्राम या पीएम 10 का स्तर 351 से 430 के बीच हो जाएगा। एक्शन प्लान, डीजल के जनरेटर सेट बैन कर दिए जाएंगे, पार्किंग शुल्क 3 से 4 गुना बढ़ा दिया जाएगा, बस और मेट्रो सर्विसेज बढ़ाई जाएंगी, कोयला और लकड़ी जलाने पर प्रतिबंध होगा, यहाँ तक कि अब प्रदूषण फैलाने वालों पर आपराधिक केस तक दर्ज किया जाएगा। किसी भी कीमत पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ, लोगों के हितों के साथ उनकी अनदेखी करने वालों को हम किसी भी कीमत पर स्पेयर नहीं करने वाले हैं। 1 नवंबर से दिल्ली में निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है। सरकार कोशिशों में जुटी है तो वहीं पंजाब में पराली जलाना अभी जारी है। प्रदूषण हर बढ़ते दिन के साथ लोगों का जीना मुहाल कर रहा है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दिवाली के बाद हालात और खराब ही रहने के आसार हैं। ये प्रदूषण खराब मौसम और हवा की रफ्तार बेहद कम होने के कारण होगा। वाकई प्रदूषण वाली ये इमरजेंसी दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई है। दिल्ली से कविता शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
सोचने की जरूरत है, क्या ये पहला मौका है जब इस तरह के हालात पैदा हुए हैं? पहले भी दिल्ली और एनसीआर ऐसी ही समस्या से दोचार हो चुका है, अब सोचने की जरूरत है ऐसा होता क्यों है। बहरहाल अभी आपको दिखा रहे हैं हम कि दिल्ली में फैले इस प्रदूषण से या इस प्रदूषण वाले खतरे से आप कह लीजिए कैसे निपट रहे हैं दिल्ली वाले, देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले एक सप्ताह से आपको बता दें तो दिल्ली एनसीआर में जो हवा की क्वालिटी है वो धीरे धीरे खराब हो रही है, यानी एयर पोल्यूशन लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। आपको आगे बताते थे कि आने वाले एक हफ्ते में ये लेवल और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि दिवाली का हफ्ता होगा और ऐसे में पटाखे जलाने की वजह से भी जो वायु प्रदूषण है उसमें इजाफा होने के आसार हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये इलाके, जैसे इस वक्त हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं, लोग यहाँ पर बिना ही अपने मुंह पर को ढककर नहीं निकल रहे हैं, या जो एहतियात बरतने चाहिए वो नहीं बरतने, लेकिन ये इनकी सेहत को नुकसान पहुँचा सकता है, ख़ासतौर से वो लोग जिन्हें सांस संबंधित बीमारियाँ हैं या फिर जो बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं, ऐसे लोगों को इस हवा में तकलीफ़ हो सकती है, इसीलिए एहतियात बरतने की ज़रूरत है। आने वाला एक हफ्ता और भी ज़्यादा प्रदूषण के लिहाज से दिल्ली एनसीआर में ख़राब हो सकता है। धीरे धीरे कई सारी वजहें हैं इस वायु प्रदूषण को लेकर, एक तो पराली का जलना, दूसरा दिवाली के मौके पर बहुत से लोग पटाखे जलाएंगे, हालांकि बार बार ये कहा जा रहा है कि पर्यावरण को बचाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए बेहद ज़रूरी है कि इस दिवाली आप एनवायरमेंट फ्रेंडली दिवाली के तौर पर मनाएं, लेकिन अगर पटाखे भी जलाए जाते हैं ऐसे में दुगनी मार होगी। और इसी के साथ धीरे धीरे दिल्ली एनसीआर में टेम्परेचर डिप हो रहा है, यानी तो यहाँ पर आपको ये भी बता देते हैं कि इस प्रदूषण से निपटने के लिए, इस प्रदूषण वाली इमरजेंसी से निपटने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट ये की जा रही है कि आप बिना धुएं के चूल्हे और सौर ऊर्जा को बढ़ावा दें, कम से कम धुएं वाला ईंधन आप इस्तेमाल करें, साथ ही खुले में जानलेवा धुआं निकलने वाला कचरा आप ना जलाएं। प्रदूषण से होने वाले नुकसान को लेकर जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी हो जाता है। साथ ही लगातार कहा जाता है, ये तो सिर्फ प्रदूषण ही नहीं, वैसे भी कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाएं, खुद को बचाने के लिए मास्क पहनकर ही आप निकलें, कारखाने शहरी क्षेत्र से दूर होने चाहिए, साथ ही वनों की अंधाधुंध कटाई को रोका जाना ऐसे हालात में और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। और जैसा कि हम आपको लगातार हमारे इस रिपोर्ट में दिखा रहे हैं, हमारे इस कार्यक्रम में दिखा रहे हैं कि दिल्ली में फैले इस प्रदूषण के लिए पराली का जलना भी एक बड़ा कारण है। अब पराली किस तरह से दिल्ली वालों और आगे चलकर पूरे देश के लिए गैस चैम्बर बना सकती है वो आपको समझाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक पराली पूरे देश को गैस चैम्बर बना सकती है। जी हाँ, गेहूं और धान की पराली को तरीके से ठिकाने लगाने की जरूरत है और जी न्यूज इसे लेकर बार बार आपको स्पेशल रिपोर्ट्स दिखाता रहा है। इसकी वजह से दरअसल 2050 तक प्रदूषण का स्तर देश में करीब 1.5 गुना तक बढ़ जाएगा। आप अंदाजा लगा लीजिए आज ये हालात है तब क्या होगा। अगर इस समय दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स हम नजर डालें उस पर तो करीब 383 है। 32 साल में दिल्ली का AQI करीब 450 तक पहुंच जाएगा। दिल्ली का ये एयर क्वालिटी इंडेक्स फिक्स रहेगा, यानी दिल्ली में प्रदूषण की शुरुआत ही इस लेवल से हुआ करेगी। आगे कितने स्तर तक ये जाएगा अब आप ये सोचकर ही सिहर उठेंगे।